जुलाई 2014 को किस मंत्रालय के अधीन आता है? ठीक है, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है शुभारंभ डेट सहित बताइएगा। ठीक है, 28 अगस्त 2014 के द्वारा शुरू किया गया था, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था? आगे 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 आगे, 25 सितंबर 2014। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत भी हुआ था किनकी जन्म पुण्य मतलब जन्म तिथि पे शुरू हुआ था, जन्म दिवस के अवसर पे? जयप्रकाश नारायण। कब शुरू हुआ था संसद आदर्श ग्राम योजना? ठीक है, 11 अक्टूबर 2014 को। अब बताइएगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में जो है 2019 तक प्रत्येक सांसद को कितने गांव को गोद लेके विकास करना था उसका? आगे क्या आगे दो आगे, 3 गांव लेना था प्रत्येक सांसद को और 2024 तक कुल 8 गांव गोद लेकर विकसित करना था। पहल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? पांचवें पांचवें 2015 ठीक है, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अब बता दीजिएगा DBTL का फुल फॉर्म बोलिएगा। पांच ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है इसका शुभारंभ कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को। ये जो किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था? महिला एवं बाल विकास। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये कब शुरू हुआ था? 2016 में दो आगा, हजार 8 अप्रैल 2015 को। बताइएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है कितने प्रकार का ऋण दिया जाता है, तीन प्रकार, कौन कौन है? तरुण है, किशोर है, तो वो बाल्यावस्था। देखिए, शिशु, किशोर और तरुण होता है। बताइएगा कि जो है शिशु के तहत जो है कितने हजार रुपए का लोन लोन दिया जाता है? पांच 5 हजार, आगे, 50 हजार रुपए का शिशु के तहत दिया जाता है और किशोर के तहत कितने रुपए तक का अधिकतम लोन दिया जाता है? पांच लाख, ठीक है, 50 हजार से 5 लाख के बीच का लोन रहता है। और तरुण के तहत जो है कितने लाख रुपए का लोन दिया जाता है? ठीक है, 10 लाख रुपए का रहता है। आप बता दीजिएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? 15। 25 जून 2015 को। बताइएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों को डेवलप करना था, कितने स्मार्ट सिटी बनाना था? 100 स्मार्ट सिटी बनाना है। डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? ठीक है, 1 जुलाई 2015 को हुआ था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है? आगे, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। बताइएगा कि सागर, छोड़ दीजिए, किनका है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन का शुरुआत जो है कब किया गया था? 22 फरवरी 2016 को हुआ था। आप बता दीजिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिज का निर्माण किस योजना के तहत किया जा रहा है? सेतु भारतम योजना के तहत किया जा रहा है। आप बता दीजिएगा स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत जो किया गया है किस मंत्रालय के तहत किया गया है? मानव संसाधन आगे आगे, इलेक्ट्रॉनिक यह वित्त मंत्रालय के तहत किया गया है। पीएम सम्मान किसान निधि योजना जो है इसका शुरुआत कब हुआ था? ठीक है, 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। बताइएगा कि इसके तहत किसान को कितना रुपया दिए एक साल के अंदर, एक साल में दिया जाता है? 6 हजार रुपया दिया जाता है।
समान किस्तों में दिया जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुरुआत कब हुआ था? अठारह आगे सत्रह आगे नहीं आगे यह है आपको ठीक है 15 फरवरी 2019 को। इसमें जो है कितने वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं? 18 से 40 वर्ष के लोग जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है। 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर इन्हें कितने रुपए का मासिक पेंशन मिलेगा? 3,000 रुपए का मिलेगा। आप बता दीजिएगा कि वरिष्ठ बीमा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना जो है 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया था। किस कौन सी संस्था के द्वारा शुरू किया गया? LIC के द्वारा शुरू किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो शुभारंभ हुआ है कब हुआ है? आगे ठीक है 1 मई 2016 को हुआ है। बताएगा इस योजना के अंतर्गत जो है BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन के लिए कितना वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत? 1600 रुपये है ठीक है। आप बता दीजिएगा कि उनका है स्किल इंडिया मिशन जो है कब शुरू हुआ था? ठीक है तो 2015 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब हुआ था? आपको हुआ था बोलिए 25 जुलाई 2015 को हुआ था। आप बता दीजिएगा बंदरगाहों के विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी 2015 में? आगे सागरमाला परियोजना।